नमस्ते। ये सेशन में आज मैं आपको हिंदी में क्रॉस क्रेडल होल्ड और उसके 45 बिंदु के बारे में परामर्श के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोगों का ईमेल आया और उन्होंने बताया कि उनको एक सेशन हिंदी में चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेशन है, ये जो क्रॉस क्रेडल होल्ड, उनको हिंदी में चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारे साथ बहुत सारे हिंदी भाषी लोग शामिल हैं, तो उनके लिए आज मैं एक ये स्पेशल शो कर रही हूँ, हिंदी में है। ऑफ़ कोर्स मेरी हिंदी, मैं तो जो कि बम्बई में पैदा हुई हूँ और बम्बई में बम्बई की हिंदी है, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, बट मैं कोशिश करूँगी। तो ये जो होल्ड है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस क्रेडल होल्ड। क्रेडल मतलब पारना, मतलब पारना, जब भी बच्चे को पारने में झूले में डालते हैं उसको बोलते हैं लाइक पारना, इन गुजराती वी कॉल इट पारना, इन हिंदी वी कॉल इट झूला। तो ये जो ट्रेडिशनल होल्ड है उसको बोलते हैं हमको झूला पद्धति, ठीक है। ये उस झूला पद्धति में क्या होता है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो यहाँ पे जो बाजू से आप दूध पिला रहे हो वही हाथ से आप बच्चे को पकड़ रहे हो, राइट। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि फील्ड में सारी मदर्स ऐसे दूध पिलाती है। जो क्रॉस क्रेडल है, क्रॉस मतलब क्रॉस हाथ से मदर को पकड़ना है, जो बाजू से दूध पिला रही है वो उसके क्रॉस बाजू से मदर बच्चे को दूध पिला रही है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस क्रेडल। क्रेडल मतलब झूला, सो क्रॉस झूला पद्धति। तो ये जो पद्धति है, जो बहुत लोग को ये पद्धति मालूम नहीं है, हम लोग अमेरिका में बहुत लोगों को ये पद्धति से दूध पिलाना सिखाते हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं वो क्रॉस क्रेडल पद्धति यूज़ करते हैं, और हम लोगों ने देखा है, जैसे आपने हमारे अगले सेशन में देखा था कि ये क्रॉस क्रेडल पद्धति से हम लोग को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आपको ये पद्धति मैं आपको आज सिखाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि माँ को कभी दूध पिलाना है, तो बहुत सारी माताएं होती है तो उनको लगता है कि जब भी बच्चा भूखा होता है तो भूखा होने का जो संकेत होता है उनको सिर्फ एक ही संकेत मालूम है, वो है रोना। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब तक वो बच्चा रोता नहीं है तब तक वो बच्चे के जो आगे के भूख के संकेत है वो उनको पता नहीं चलता है, और वो लोग राह देखते हैं कि जब भी बच्चा रोएगा तभी मैं दूध पिलाऊंगी। लेकिन ये जो है, जब तक वो बच्चा रोया मतलब बहुत लेट हो गया, ठीक है। जब भी बच्चा रोता है और जब भी आप माता बच्चे को लेती है दूध पिलाने के लिए, तो वो बच्चा इतना मतलब इरिटेबल होता है, इतना रोता है कि उसको लैच, उसकी जो मुंह की पकड़ होती है माँ के स्तन से, वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत इरिटेबल होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, माँ को समझाना है कि जो आगे के भूख के संकेत है वो उसको कैसे पहचानना। तो कौन से आगे आगे के संकेत हैं, बच्चा पहले तो क्या करता है कि थोड़ा सा वो झमाई लेता है, थोड़ा सा वो हिलता है, थोड़ा सा इधर उधर देखता है, उसके मुंह भी थोड़ा खोल के वो ऐसे ऐसे करेगा, उसको हम लोग इंग्लिश में रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। फिर दूसरा क्या करता है कि बच्चा मुँह खोलता है, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा भूखा हुआ तो मुँह खोलेगा, फिर मुंह में हाथ डालेगा, फिर उसके मुंह से लार टपकती है, और फिर बहुत लेट हो गया फिर क्या होता है कि वो बच्चा रोने लगता है। तो आपको सबसे पहले माँ को ये बताना है कि आगे के संकेत, आगे की जो पहली पहली जो भूख है उसके संकेत माँ को जानना ज़रूरी है। तो जैसे बच्चा, जैसे पहले जो दो तीन चार हफ्ते होते हैं, तो जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा हिला भी तो भी आपको बच्चे को तुरंत उठा के उसको बच्चे को दूध पिलाना है, ठीक है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा रात को इतना मतलब इतने सारे ब्लैंकेट पहनाए होते हैं कि वो तीन घंटे से ज़्यादा सोता है, तो वो टाइम में आपको बच्चे को हर दो से तीन घंटे तक बच्चे ने दूध नहीं पिया या बच्चा नहीं उठा, तो आपको एटलीस्ट 3 घंटे के बाद बच्चे को उठा के उसको दूध पिलाना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रात में अगर 3 घंटे के से ज़्यादा बच्चे
को नींद आई तो उसको उठा के उसको दूध पिलाना है, ठीक है। और दिन में 2 घंटे के बाद अगर बच्चे नहीं दूध मतलब नहीं उठ रहा है और बच्चे ने यू नो दूध पिया है लेकिन दो ढाई घंटा हो गया, तो आपको डेफिनेटली उसको बच्चे को उठा के उसको दूध पिलाना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारे भारत में जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कमज़ोर पैदा हो रहे हैं, मतलब उसके जो वजन जो एवरेज जो होना चाहिए 3 किलो एवरेज जो होना चाहिए WHO ग्रोथ चार्ट के हिसाब से, वो हिसाब से हमारे बच्चे उतने 3 किलो के पैदा नहीं हो रहे। तो आपको पहले 3 महीने में उसको बहुत सारा उसका ग्रोथ कैचअप करना है, उसके जो विकास है उसको बहुत फटाफट बढ़ाना है। तो वो विकास कैसे बढ़ेगा? अगर वो बच्चे को माँ का दूध अच्छी मात्रा में मिलेगा तभी वो बच्चा आगे जाके उसका विकास होगा। आगे जाके मतलब जैसे ज़्यादा दूध पिएगा बच्चा तो फटाफट विकास होगा। वैसे हम लोग मैं WHO ग्रोथ चार्ट में भी आपको बताऊंगी, मेरा जो लास्ट सेशन है तो मैं बताऊंगी कि बच्चे कैसे बढ़ते हैं, और वो WHO ग्रोथ चार्ट में आपको सिखाऊंगी कि कैसे कितना वजन होना चाहिए, कितना वजन बढ़ना चाहिए दिन में, कितना वजन महीने में बढ़ना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम लोग अपने 45 जो बिंदु है उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो मदर को लग रहा है कि चलो बच्चा अभी थोड़ा हिल रहा है, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, बच्चे को पहले टच करने के पहले माँ को तैयारी करनी है, अपनी खुद की तैयारी करनी है। तो माँ को कौन सी क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले उसको माँ को साबुन से हाथ धोने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि माँ ने कुछ छुआ, कुछ मतलब यू नो बाथरूम गई या कुछ तो कुछ यू नो किचन में काम किया, तो उसके हाथ को अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको पहले साबुन लेना है और साबुन से हाथ धोना है, और फिर उसको 1 ग्लास उबाला हुआ और ठंडा किया हुआ पानी पीना है। तो इसमें क्या करना है, आपको माँ को बताना है कि थोड़ा सा पानी मतलब पूरे जो दिन का जो है 1 या 2 लीटर जितना पानी उबाल के उसको ठंडा करके वो पानी माँ को पीना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि फिर माँ को अपना पोजीशन लेना है, ठीक है। तो वो पोजीशन माँ अपना पोजीशन कैसे कहाँ पे लेगी, जहाँ पे बच्चा सो रहा है, तो जहाँ पे भी उसको दूध पिलाना है वहाँ पे जाके वो बेसिकली अपना पोजीशन लेगी, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली तो बच्चा हमेशा वो जो या तो बेड पे होता है या तो वो झूले में होता है, तो वो वहाँ पे माँ बैठ सकती है। तो सबसे पहले उसको बहुत मतलब पोजीशन जो उसका होना चाहिए बहुत सीधा होना चाहिए, उसकी जो पीठ है यू नो वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, आगे की तरह झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, और पीछे जो सपोर्ट है ना बैक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग जब भी स्लम में काम करते हैं तो यू नो हम लोग हमेशा बताते हैं माँ को कि उसका जो पीठ है वो दीवार की तरफ होगा तो शी विल गेट सम सपोर्ट, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या करना है कि माँ को बताना है कि आप उसके जो कंधे हैं वो कंधे बिल्कुल सीधे रखने हैं, आगे की तरह झुके हुए नहीं होने चाहिए या तो पीछे की तरह बहुत स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको मदर को बोलो कि बहुत आराम से उसको बैठना है, क्योंकि वो क्या होता है कि जब भी बिगिनिंग में जब भी पहले बच्चे को बहुत टाइम उसको दूध पिलाना पड़ता है, तो अगर अपना खुद का पोजिशन ठीक नहीं होगा तो माँ बहुत वो थक जाएगी, और वो थक जाएगी तो फिर दूध पिला नहीं सकेगी, ठीक है। और अब थक जाएगी तो फिर उसको दूध भी ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन करके हार्मोन है। तो माँ का आराम से बैठना, आराम से उसका जो पॉजिटिव जो विचार है वो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे वो दूध बाहर निकलने का जो हार्मोन है वो हार्मोन बढ़ेगा उसकी बॉडी में, ठीक है। तो ये तो हो गया, फिर उसको क्या करना है कि उसको रेडी रहना है, क्योंकि अभी वो बच्चे को उठाने वाली है, तो उसके पहले उसको क्या तैयारी करनी है कि उसके जो स्तन है उसको पूरा स्तन उसका खोलना है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत टाइम हमारे पास आते हैं जब भी मदर्स, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक तो टाइट ब्रा पहना होता है और फिर टाइट एकदम टाइट यू नो चूड़ीदार पहना होता है कि जो भी कुर्ता पहना होता है, तो वो लोग कुर्ता ऐसे ऊपर करते हैं और फिर वो जो ब्रा होती है वो मतलब बिना खोले वो बस ऊपर कर देती है। तो जैसे वो ब्रा इतनी टाइट ब्रा अगर उसने स्तन के ऊपर कर दिया तो पूरा जो प्रेशर है वो माँ के स्तन पे आएगा, तो वो जब भी माँ के स्तन पे आएगा तो क्या होगा कि सपोज़ मैं आपको स्तन पे दिखाती हूँ, ये मेरे पास स्तन का मॉडल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ब्रा का प्रेशर बहुत
एकदम टाइट ब्रा का प्रेशर अगर स्तन पे आया तो क्या होगा कि यहाँ पे तो दूध बन रहा है कि उसकी जो वहाँ पे जो यू नो जो ग्रंथियाँ हैं वहाँ पे दूध तो बन रहा है, लेकिन उसकी जो नलियाँ है, जो नलिया से वो दूध बाहर निकल रहा है, वो नलिया जो है वो सब बंद हो जाएगी। तो एक बार वो नली सब बंद हो गई तो दूध तो बनता रहेगा, लेकिन फिर वो क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रहा है तो वो दूध वो जो ग्रंथि है वहाँ पे गांठ होना चालू हो जाएगा। और एक बार वो जो गांठ होना चालू हो गया और आपने उसका इलाज तुरंत किया नहीं तो उस वहाँ पे हो जाएगा इन्फेक्शन। एक बार इन्फेक्शन हो गया तो फिर मतलब वो यू नो ऑफकोर्स डॉक्टर वो इन्फेक्शन निकालने के लिए वहाँ पे यू नो मतलब इंसिशन करेगा, वो पस निकालेगा। ये सब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है सारे। तो ये हम लोग को कॉम्प्लिकेशन ऐसे सलाह देनी है माँ को कि ये सारे कॉम्प्लिकेशन ना होए, ठीक है। एक बार आपने सही सलाह दी कि माँ को क्या करना है कि स्तनपान कराने के टाइम माँ को बोलो कि ब्रा मत पहने, अगर ब्रा पहना भी है तो उसको बोलो कि वो ब्रा का बटन निकाल दे और फिर उसको मतलब हो सके तो एटलीस्ट स्तनपान के टाइम पे वो ब्रा को निकाल दे। और जो कपड़ा जो पहना हुआ है सबसे बढ़िया तो ऑफकोर्स ब्लाउज ही है, तो अगर ब्लाउज वो आगे से मदर ने पूरे बटन निकाल दिए, बहुत टाइम ऐसा होता है कि माँ सिर्फ 3 या 4 ही बटन निकालती है नीचे के, ऊपर का वही रखती है, तो वापस वो फिर ऊपर ब्रा को ऊपर खींचती है स्तन के ऊपर, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि माँ ऐसा ना करे, माँ को बोलो कि सारे बटन निकाल के पूरा जो एक बाजू का जो स्तन है वो पूरा निकालना है, ठीक है। तो अभी वो रेडी हो गई, नाउ शी इज़ रेडी टू ब्रेस्ट फीड, ठीक है। तो अभी उसको क्या करना है, बच्चे को लेना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि 2-3 घंटे हो गए बच्चा नहीं उठ रहा है तो माँ को बच्चे को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे को कैसे उठाना है। अभी वो रेडी हो गई है, शी इज़ रेडी टू ब्रेस्ट फीड, अभी तैयारी हो गई है, ठीक है, और अभी वो बच्चे को उठा रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चे को उठाने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो बहुत बार आपने देखा होगा कि माँ क्या करती है, बच्चे को टोपी पहनाया हुआ है, बच्चे को मिटन्स पहनाए हैं, उसके मोजे पहना हुए हैं, उसके हाथ में मिटन पहनाए होते हैं, फिर 3-4 ब्लैंकेट कभी कभी माँ ने पहनाए होते हैं बच्चे को, ठीक है। लेकिन जब भी आप बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको वो सारा जो एक्स्ट्रा जो कवरिंग है, लेयर्स है, वो सब निकालने हैं, ठीक है। तो टोपी निकालनी है, उसके मोजे निकालने हैं, उसके 2-3 जो ब्लैंकेट है वो निकालने हैं, अगर 2-3 कपड़े पहनाए तो यू नो सारे कपड़े नहीं निकाल, एक कपड़ा रखना है, लेकिन एटलीस्ट जो एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं, जो स्वेटर है, वो सब आपको निकालना है, क्योंकि जितना बच्चा वो यू नो कवर होगा इतना उसको उठने में तकलीफ होगी, ठीक है। तो जैसे आपने वो कपड़ा निकालना चालू किया तो बच्चा तुरंत ही उठेगा, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि अगर ये सब करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं उठ रहा है तो आपको बच्चे को सिटिंग पोजीशन में लेना है, ठीक है। तो सिटिंग पोजीशन में कैसे लेना है, आपको बच्चे को आपकी गोदी में बिठाना है, ठीक है, और उस आपकी जो उंगलियाँ है वो बच्चे के कान के आगे आएगी और आपका जो ये जो आपकी जो हथेली है वो बच्चे की जो छाती है वहाँ पर आपकी हथेली रहेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा उसको आगे की ओर झुकाना है बच्चे को, और तुरंत वो मतलब 2 या 3 मिनट में अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो 2 या 3 मिनट में बच्चा उठ जाएगा, और आपको तुरंत ही वो आँख खोल के यहाँ वहाँ वहाँ देखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत अक्सर इलाज है कि कैसे बच्चे को उठाना है। आप ऑफकोर्स पीछे भी थोड़ा उसको गुदगुदी कर सकते हैं, मतलब उसका जो स्पाइन होता है, उसकी जो करोड़ ये जो स्पाइन होता है वहाँ पे आप यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ टिकलिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा गुदगुदी करते हैं, और फिर बच्चा अभी उठ गया, ठीक है। अभी जैसे बच्चा उठा तो आपको क्या करना है, सपोज़ ये बच्चा अभी उठ गया है, ठीक है, तो आपको बच्चे को ऐसे हाथ में लेना है, ठीक है, और उसको माँ की तरफ, माँ को बोलो कि उसकी तरफ बच्चे को मतलब ऐसा टर्न करना है, ठीक है। और फिर अभी सपोज़ मुझे लेफ्ट बाजू से दूध पिलाना है, लेफ्ट बाजू से, तो आपको बच्चे को राइट जो आपकी जो बगल है वहाँ पे बच्चे को रखना है, और ये जो हाथ है जो मैंने बच्चे के सिर पकड़ा हुआ था, बच्चे का सिर, वो हाथ को नीचे लेके दूसरा वाला जो हाथ है
वो आपको तुरंत ही बच्चे को पूरे बॉडी को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी ये जो लेफ्ट बाजू से मैं दूध पिला रही हूँ, तो राइट बाजू से आपको बच्चे को बगल में डालना है और उसको यू नो ब्रेस्ट सन पे लाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको बच्चे को कैसे पकड़ना है, ठीक है। अभी इसमें भी बहुत सारे थोड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत टाइम मदर जो है यहाँ पे बरोबर मतलब बगल में नहीं डालती है, मतलब वो उसका बच्चा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आपको मदर को बताना है, थोड़े अगर आप उसको उदाहरण देंगे तो डेफिनेटली माँ को ये सब याद रहेगा। तो मैं जो उदाहरण देती हूँ फील्ड में, मेरा उदाहरण ये है कि जब भी आप सपोज़ कोई मूवी देखने जाती है या कोई सिनेमा देखने जाती है, तो आप कभी कभी वो पर्स लेके जाती है, ऐसा जो बगल में जो पर्स डालते हैं, तो वो आपको आप देखना कि हर औरत है वो पर्स को इतना टाइट पकड़ेगी, मतलब बिल्कुल वो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो मैं हमेशा वो उदाहरण देती हूँ, तो मदर को तुरंत पता चल जाता है कि हाँ मुझे बच्चे को ऐसे पकड़ना है कि उसका जो पैर है बिल्कुल नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको पकड़ना है, ये जो उसके पैर है आप माँ के राइट बगल में डालना है, ठीक है। अभी उसकी जो हिप है, बच्चे का जो हिप है, ये वाला जो हिप है वो थोड़ा बाहर निकाल के यहाँ की जो एंगल है, ये जो आपका जो कोनी का जो एंगल है, वहाँ पे उसको बच्चे को बिठा देना है, ठीक है। तो ये बिठा देंगे तो क्या होगा कि बच्चे का पोजीशन देखिए ऐसा हो जाएगा, बच्चे का पोजीशन ऐसा हो जाएगा, मतलब ये देखिए ऐसा करके ये वाला, जैसे आपने ये हिप को थोड़ा कोनी पे बिठा दिया तो वो बच्चा अभी नीचे सरकेगा नहीं, क्योंकि अगर बच्चा अगर स्लिप हो गया तो वो जहाँ पे वो उसकी मुंह की पकड़ जो जो बहुत अंदर होनी चाहिए छाती के अंदर, वो फिर वो बाहर निकल आएगी। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि उसका जो हिप है वो यहाँ की जो कोनी है, कोनी के एंगल में वो फिट होना हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी क्या हो रहा है कि अभी ये जो यहाँ का जो पोजिशन है वो अभी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर पूरा बॉडी सपोर्ट है, देखिए आपने पूरा मैंने बॉडी सपोर्ट किया है, उसके हिप भी सपोर्ट है, उसके लेग भी सपोर्ट है, ठीक है। उसकी जो पीठ है बच्चे की ये भी पूरी सपोर्ट है, और उसके बच्चे का जो गर्दन है, मतलब ये जो उसके पीछे के सिर है वो भी सपोर्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे करना है। उसके पहले आपको ध्यान में रखना है कि माँ का जो शरीर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा माँ क्या करती है कि वो ऐसे नीचे झुकती है, बच्चे को ऊपर नहीं उठाती है लेकिन वो नीचे झुकती है, तो आपको वो बच्चे को माँ को बोलना है कि वो बच्चे को ऊपर उठाए, वो नीचे ना जाए, ठीक है। वो बच्चे को ऊपर उठा के उसको जहाँ पे माँ बैठी है, जहाँ पे उसके सन है, बच्चे को ऊपर उठा के उसको वहाँ पे लाना है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी माँ की तैयारी, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट है कि आपको यहाँ से कैसे बच्चे को पकड़ना है, ठीक है। उसका जो सिर है, तो एक आप मदर को ये बता सकते हैं कि हमारे कान के पीछे एक हड्डी है, ठीक है। ये वाली जो हड्डी है, तो आप माँ को बोलो कि ये चलो हड्डी को आप छुओ, तो जैसे वो छुएगी उसको पता चलेगा कि उसका जो उसके जो उंगलियाँ है वो कहाँ पर होनी चाहिए। तो ये जो जो हड्डी है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, मेडिकल टर्म में मैस्टॉइड बोन, बोन मतलब हड्डी। तो ये जो मैस्टॉइड नाम की जो हड्डी है वहाँ पर माँ के हाथ होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे वो माँ के हाथ वहाँ पे होते हैं, फिर ये जो हथेली है, ये वाली हथेली, ये बच्चे की पीठ पे जाएगी, ठीक है। तो ये आगे जो ऊपर की जो पीठ है वहाँ पे माँ की हथेली का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह अभी बच्चा स्तन पे आ रहा है, बच्चे की तैयारी भी है और माँ की तैयारी भी है। एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी बच्चा आ रहा है तो माँ की जो छाती है और बच्चे की छाती है वो दबनी चाहिए, मतलब धीरे से उसका जो ये जो है ना लगाव बहुत नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत दूर होगा तो बच्चा दूध नहीं खींच सकेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि माँ को बोलना है कि एक तो आपने पूरा बॉडी सपोर्ट बता दिया, ठीक है, दूसरा आपने बता दिया कि बच्चा पूरा सीधी लाइन में होना चाहिए। सीधी लाइन मतलब कैसे होगा कि ये जो आप बता, ये आप देख रहे हैं ना कि पूरा जो बच्चा है एकदम सीधी लाइन में है, उसका मतलब बच्चे के कान,
बच्चे की जो ये शोल्डर जॉइंट है, ये वाला जॉइंट और उसका जो हिप जॉइंट है, ये सारे जो दो जॉइंट है और उसका कान सारी सीधी रेखा में आना चाहिए, ठीक है। अगर सीधी रेखा में नहीं आया, फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे फील्ड में कि बहुत टाइम क्या होता है कि बच्चा ऐसे दूध पीता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि उसका जो पेट है ऊपर होता है, ठीक है, आकाश की तरफ, और उसका जो गर्दन है, उसका जो सिर है वो ब्रेस्ट की तरफ होता है, ठीक है। तो ये अगर पोजीशन हो गया, देखिए ये है आपकी पोजीशन। अब आप अभी सोचिए कि अगर आप जब भी खाना खाते हो तो आपकी जो गर्दन जो होती है, आपका सिर होता है, आपका जो बॉडी होता है, वो हमेशा सीधी रेखा में ही होता है। आप कभी ऐसे खाना नहीं खा सकेंगे। आपकी जो थाली होती है वो हमेशा आप आगे की तरफ रखते हैं, मतलब आपकी सीधे, तो आपकी बॉडी पूरी सीधी होती है। मतलब उसका मतलब क्या है कि आपके कान, आपका शोल्डर जॉइंट और आपका हिप है वो बिल्कुल सीधी रेखा में है, ठीक है। तो बच्चे को भी आपको सीधा ही रखना है, ऐसे रखना है, आपको ऐसे नहीं मुड़ाना है। क्योंकि आपने ऐसे मुड़ा, अभी आप जब भी आज घर पे खाना खाएंगे तो आप देखना, आप आपकी थाली साइड में रखना, ठीक है, और फिर ऐसे करके आप खाएंगे तो देखना कि आप निवाला खा सकेंगे, नहीं खा सकेंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, यू नो, निवाला निगलने में, ठीक है। तो इसी तरह आपको ध्यान में रखना है, आपको यही सोचना है कि ये बच्चा मैं हूँ, अगर मुझे खाना है तो मैं कैसे खाऊंगी, राइट। तो बच्चे का बिल्कुल जो सिर है एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए। अगर ये सीधी रेखा में हो गया तो बच्चा कैसे होगा, देखिए ऐसे पूरा, ये पूरा हो गया सीधी रेखा में, ठीक है। तो ये है आपका पोजीशनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बच्चे को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि बहुत टाइम बच्चा माँ की तरफ देखता है ऐसा, ठीक है। तो ये माँ की तरफ, अगर माँ की तरफ उसने देखा तो क्या होगा, अगेन उसका सिर थोड़ा साइड में हो जाता है। उसका खाना कहाँ पे है, उसका खाना स्तन है, स्तन, राइट। तो उसका जो सिर है बिल्कुल स्तन के सामने होना चाहिए, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे उधर उधर हो गया तो उसका मतलब बच्चे का सिर जो है वो थोड़ा मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये पोजीशन है, यहाँ पे वो स्तन, बच्चा स्तन की तरफ देख रहा है। तो जब भी आप बच्चे को ला रहे हो, उसका जो सिर है बिल्कुल स्तन की तरफ उसका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब भी आप बच्चे को ला रहे हो, अभी आप सोचिए कि आप पानी पी रहे हो, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जब भी आप पानी पीते हो तो आप हमेशा थोड़ा सा सिर ऊपर करते हो और फिर पानी पीते हो, है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने सिर को सिर्फ सीधा रखा या तो थोड़ा नीचे की तरह झुकाया तो आप निवाला नहीं निकल सकते, पानी भी नहीं पी सकते, कुछ भी नहीं, आप खाना भी ऐसे नहीं खा सकते, ठीक है। आप हमेशा, आपके जब भी खाना खाते हो तो आपकी जो ये जो गर्दन है थोड़ी सी बाहर की तरफ है, राइट, ऐसे मतलब पीछे की तरफ घुमी हुई है, ये आपकी थोड़ी आगे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, तो ये आपको बच्चे को भी ऐसे ही लाना है। तो बच्चे को कैसे लाएं, जब भी आप उसको ला रहे हो ब्रेस्ट की तरफ तो उसका जो सिर है वो थोड़ा उसका बाहर की तरफ होना चाहिए। तो जब भी मैं भी, अगर बच्चे को सपोज़ ये है बच्चा ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो अगर ये बच्चा ये पोजीशन में होगा साइड लाइन रोल में, तो भी बच्चे की गर्दन थोड़ी बाहर की तरफ होगी, ठीक है। अगर बच्चे को आप क्रेडल होल्ड या क्रॉस क्रेडल होल्ड में ला रहे हो, तभी भी बच्चे की गर्दन थोड़ी बाहर की तरफ होनी चाहिए। उसका मतलब जब भी आप बच्चे को ला रहे हो तो आपको उसकी जो जो पीछे का जो सिर है वो आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ यू नो पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और फिर उसको बच्चे को स्तन पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको, ये जो है, ये जो पॉइंट है, अगर आपको ये दो तीन पॉइंट अगर आ गए, स्किल है, तो स्किल है, अगर वो स्किल आपको आ गई तो डेफिनेटली यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स। जो हम लोगों ने फील्ड में हम लोग देखते हैं, बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने देखा है कि बहुत अच्छे वजन बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे तो एक्चुअली बनासकांठा में तो जो हम लोगों ने जो ट्रेनिंग की थी, वो बोले अभी तो हम लोग को छोटे छोटे बच्चे सैम मैम मिल ही नहीं रहे, क्योंकि इतना अच्छा वो दूध पी रहे हैं, माँ का दूध इतना अच्छी तरह हर टाइम वो चूसते तो इतना दूध आता है। तो ये सारी टेक्निक पे हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया था। तो ये थोड़ा जो स्किल है, आप उस पर ध्यान दीजिए और आप डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चार पॉइंट कौन से हो गए पोजीशन के, तीन पॉइंट हुए, अभी एक पॉइंट अभी भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चौथा पॉइंट है कि जब भी आप बच्चे को ला रहे हो छाती की तरफ, ठीक है, तो जो नीचे का काला भाग है, जहाँ पे नीचे के होंठ है, वो वाला नीचे का काला भाग बच्चे के मुँह में जाना चाहिए।
उसका क्यों कारण क्या है, क्योंकि आप सोचिए कि जब भी आप खाना खाते हो, कभी भी सपोज़ आपने कुछ भी खाया तो आप कैसे खाते हो, आप हमेशा जो निवाला है वो हमेशा नीचे के होंठ की तरफ रखते हो, आप कभी ऊपर के होंठ की तरफ नहीं रखेंगे, नीचे के होंठ की तरफ रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये जो जॉ है, ये इसको बोलते हैं मैंडिबल बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में, मैंडिबल बोलते हैं, ये जो नीचे वाला जो है आप हमेशा वो वाला हिलाते हो, आप कभी ऊपर वाला नहीं हिलाते। तो जितना आप नीचे निवाला रखेंगे उतना वो प्रेशर अच्छी तरह आप चबा सकेंगे। इसी तरह अगर माँ का जो स्तन है, जो काला भाग है, इसको एरियोला बोलते हैं, काला भाग, जितना नीचे का काला भाग बच्चे के मुंह में होगा उतना वो बच्चा प्रेशर से वो दूध निकाल सकेगा, ठीक है। क्योंकि जो दूध की नलियाँ है वो सारी जो काला भाग है वहाँ पे नीचे होती है, लेकिन क्योंकि वो नीचे का जड़पा हिलाता है इसीलिए हम लोग को नीचे का काला भाग उसके मुँह में जाना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके जो ऊपर के होंठ है वो सिर्फ निपल के ऊपर ही आएंगे, ऊपर के जो होंठ है, लेकिन जो नीचे के होंठ है वो आपको यहाँ पे बॉर्डर पे लाना पड़ेगा। जो आप जो स्तन का जो काला भाग है ना, उसकी जो बॉर्डर होती है ना, वहाँ पे उसके नीचे के होंठ होने चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपको ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं दिखाऊँगी आपको, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे बच्चे को लाना है। अगर जब भी आप बच्चे को स्तन पे ला रहे हो तो उसकी जो हम लोग ये बोलते हैं उसको नेयर बोलते हैं इंग्लिश में, उसका जो ये जो नाक है ना, ये वाला जो यहाँ पे जो ये वाली कार्टिलेज है वो आपको स्तन के जो निपल है वहाँ पे लानी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वो वाली ऐसे करे तभी आप बच्चे का जो सिर है थोड़ा बाहर निकलेगा। अगर आप सीधा ला रहे हैं, अगर सपोज आपको ये जो नाक की जो टोच है, अगर आप नाक की टोच ऐसा लाएंगे तो फिर क्या होगा कि ऊपर का काला भाग भी जाएगा और नीचे का काला भाग भी जाएगा, और ये जो मेरा जो गर्दन है वो बाहर की तरफ नहीं घूम रहा है, देखिए आपने। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर सपोज़ बच्चे को आप स्तन की तरफ ला रहे हैं तो वो स्तन का जो ये है वो आपको ये जो ये वाला भाग है, ये वाला वो निपल के सामने आना चाहिए, ठीक है, तभी बच्चे का जो सिर है वो थोड़ा पीछे की तौर घूमेगा। तो चार पॉइंट है, मैं फटाफट आपको वापस बता देती हूँ। पोजीशनिंग के चार पॉइंट है, WHO के चार पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चे पूरा सीधी रेखा में होना चाहिए, पूरा हॉरिजॉन्टल मतलब पूरी सीधी लाइन, ठीक है, ऐसी सीधी लाइन होनी चाहिए, ऐसा थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी लाइन, मतलब पूरा जो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना, पूरी एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन, ठीक है। फिर उसको पूरा बॉडी सपोर्ट देना है, तो जैसे मैंने पूरा बॉडी सपोर्ट दिया है, उसके गर्दन को सपोर्ट दिया है, पीठ को सपोर्ट दिया है, उसके पूरे उसके हिप को सपोर्ट दिया है, पैर को सपोर्ट दिया है, ठीक है। उसकी जो चेस्ट है, उसके जो छाती है और माँ की छाती बिल्कुल एक दूसरे को छूनी चाहिए, मतलब एकदम क्लोज, एकदम नज़दीक होना चाहिए बच्चा, ठीक है। और बच्चे का जो सिर है थोड़ा गर्दन वो थोड़ी पीछे की तरफ मुड़नी चाहिए, ठीक है। और बच्चा जब भी आ रहा है तो उसका जो नाक का ये वाला भाग है वो निपल के सामने होना चाहिए। तो ये बच्चा अभी रेडी है, अभी ये देखिए मैं ला रही हूँ उसको, और बच्चे का जो नाक है वो बिल्कुल उसकी जो नाक की टोच नहीं, अगर टोच होगी तो बच्चा ऐसा होगा, ठीक है। अगर नाक अगर बहुत ऊपर आ गया, अगर सपोज ब्रेस्ट निपल के बहुत ऊपर आ गया तो क्या होगा आपको मालूम है, अगर बच्चा बहुत निपल के ऊपर आ गया, सपोज उसका नाक है यहाँ पे, सपोज निपल है, अगर नाक एकदम ऊपर आ गया तो क्या करेगा बच्चा, बच्चा ऐसे करेगा, ठीक है। वो स्तन लेने के लिए बच्चे को गर्दन आगे की तरफ झुकाना पड़ेगा, और वो अगर आगे की तरफ झुकाया उसका मतलब बच्चा अभी ऐसे दूध पिएगा, ज़्यादा दूध नहीं पिएगा, वो थक जाएगा बच्चा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है दो तीन पॉइंट्स होगा यहाँ पे, कि जब भी बच्चा आ रहा है तो उसकी जो नाक के ये वाला भाग है वो निपल के सामने होना चाहिए, उसकी गर्दन थोड़ी पीछे की तरह झुकी होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारा दूसरे दो तीन पॉइंट मैंने बताए, ये हो गए आपके चार पॉइंट। ओके, थैंक यू।